वो लोग जो महबूब से ज़्यादा मोहब्बत कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से करते हैं, वो लोग गली के कोनों और चौराहों पर खड़े होकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो निकल जाते हैं अपने मोटरसाइकिल पर पहाड़ों के सफ़र पर। राइडर होना कोई सड़क पर रेस करना नहीं है, बल्कि अपनी रेस में दौड़ना और अपने अलग रास्ते बनाना है। मुल्क के पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में सिंदूर की खूबसूरती काबिले दीद है और सिंदूर की काबिले दीद बात यहाँ के याक हैं, जिनकी गोश्त का एक अपना ही रायका है और जिसकी खाल बहुत कीमती होती है। इसके अलावा सिंदूर में एक ऐसा चश्मा भी है जिसके पानी का जायका 7 अप की तरह है और ये गुर्दे की बीमारी के लिए बहुत मौजू समझा जाता है। दोस्तों, इन हसीन नज़ारों के दरमियान अगर आपको सेल्फ कुकिंग और अपने हाथ की चाय बनाने का मौका मिल जाए तो सोने पर सुहागा। इस सारे इलाके के हैरत अंगेज़ तौर पर बदलते खदुखाल और एक नए तर्ज की खूबसूरती आपको हैरान कर देती है। इन खूबसूरत वादियों के दिलकश खेतों में मेहनत करते लोग बहुत भले महसूस होते हैं। इस जगह की खूबसूरती ने हमें बाइक रोककर इस जगह को मज़ीद करीब से देखने पर मजबूर किया। नीला आसमां, पीले पहाड़, सफ़ेद बादल और सब्ज़ दरिया, एक ही जगह पर इतने रंगों का मिलाप दिल मोह लेता है। फंडर से होते हुए हम पहुंचे गाहकूच के एक अनजान मेहमान नवाज इंसान के घर, जिसके खलूस ने हमें मजबूरन उसके घर जाने पर मजबूर किया। तो जनाब, हम इस टाइम मौजूद हैं गाहकूच में। मगरिब का टाइम हो चुका था तो हमने सोचा कि अब हमें यहीं पे ब्रेक लगानी चाहिए। गाहकूच में हमें जो है ना कैंपिंग की जगह ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही अच्छे इंसान रहमत भाई मिले। उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमें अपने घर में लिया। तो अभी हम रहमत भाई के साथ उनके घर में मौजूद हैं। गाहकूच का ये इलाका अपनी सकाफती मेहमान नवाजी में सब खूबसूरतियों पर भारी पड़ गया। मकामी खानों के साथ हमें एक मकामी गुलूकार से भी मुतारफ कराया गया। खुशी नुश बस मई किस्मत।
दोस्तों, अगले दिन के सफ़र की खूबसूरतियाँ हम दिखाएंगे आपको अगली एपिसोड में। तो रहें हमारे साथ और करते रहें सैर सपाटे।